मसीह यीशु के अजीम नाम में आपको सलाम। मैं वेलकम करता हूं प्रोग्राम गुवाही में। आज हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर राजा कुंदन साहब। आप पास्टर हैं स्ट्रेटवे अपोस्टोलिक फेथ चर्च में, जो कि मौजूद है आसफ टाउन नंबर 2 में। आज हम इनकी सारी खिदमत के बारे में जानेंगे और जो एक इनके पास अपनी पर्सनल टेस्टिमनी है उनसे भी हम सब रोशनास होंगे, और जरूर है कि ये हमारी ईमान की तरक्की का बाइस होगी। तो अभी वक्त है कि हम पास्टर राजा कुंदन साहब से मुलाकात करें और जानें उनकी सारी खिदमत के बारे में। भाई साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं स्टूडियो में। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी आपने मुझे इस जगह पर बुलाया, और मैं आपका और नेशनल टीवी वालों को बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आज मुझे मौका दिया आपके सामने खुदा के कलाम को शेयर कर सकूं और अपनी पर्सनल जो गवाही है वो लोगों तक पहुंचा सकूं। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि खुदा यीशु मसीह को आपने अपना शख्सी निजात दहिंदा कब कबूल किया? मैंने भाई 2016 में खुदा यीशु मसीह को पर्सनली तौर पर कबूल किया। उससे पहले जो मेरी लाइफ थी वो बहुत खुदा में थे लेकिन खुदा से थोड़ी सी दूर थी। ये लाइफ नहीं थी जो खुदा की अब है, जैसे एक होती है यंग जनरेशन में लड़कों की, तो थे खुदा में, प्रे करते थे लेकिन ये खुदा से वो दूर थे। जो खुदा अब जो देखा है ना खुदा को, जो खुदा की बरकतों को या खुदा के खुदा में आके उसके सारे जलाल को मैंने देखा है, तो ये अभी मैंने देखा है। उससे पहले जो थी लाइफ बहुत दूर थी, और 2016 में मैंने खुदा यीशु मसीह को पर्सनली तौर पर जाती निजात दहिंदा कबूल किया, और तब से मेरी जो जिंदगी है अब से खुदावंद में जा रही है। तो भाई साहब, पहले आप क्या करते थे? सर, वो पहले मेरी लाइफ जो थी ना वो एक तो स्टडी में पहले गुजरी है, उसके बाद जो है वो घूमना फिरना बस आवारा गर्दी लड़कों के साथ या ऐसे ही टाइम गुजरता रहा है। तो आपने सेमिनरी ज्वाइन की फिर 2016 में जब खुदा यीशु मसीह को मैंने कबूल किया, तो तब मैंने तौबा की बपतिस्मा लिया आसफ टाउन नंबर 1 में। बिशप आसफ जमाली साहब हैं जिनके रेफरेंस से, जिनके कलाम के वसीला से खुदा ने मेरी जिंदगी को बदला, और जब मैंने तौबा की तब मैंने उन्हीं के कॉलेज में थोड़ी सी स्टडी की। प्रॉपर स्टडी जो थी वो सर मैंने बाद में की है। बाद में जब हमारा जो है ना भाई मेरे सीनियर पास्टर विल्सन नवाब साहब जिनके साथ अब मेरी खिदमत है, तब मेरी खिदमत उनके साथ जुड़ी है, खुदा ने जोड़ा है, और तिल अभी तक मैं उनके साथ अभी तक खिदमत कर रहा हूँ। तो और उन्हीं से मैंने बीटीएच की फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर की जो डिग्री है वो मैंने ली हुई है, वो एज ए सीनियर पास्टर भी है, उस्ताद है मेरे, तो आज तक मैं और इकट्ठे कजन भी है मेरे, वो इस वजह से हम इकट्ठे खिदमत इकट्ठे कर रहे हैं आसफ टाउन नंबर 2 में सर। तो भाई साहब, एक खादम की जिंदगी गवाहियों से भरी होती है। Yes. आपकी जिंदगी में कोई ऐसी गवाही जो हमारे नाज़रीन के लिए उनके ईमान की तरक्की का बाइस हो? यस सर, मेरी जो जिंदगी है वो सरापा गवाही है हकीकत में, सर से लेकर पांव तक, क्योंकि मैं वो समझता हूँ जो हर जो ईमानदार है जिसकी जिंदगी में खुदा काम करता है ना उसकी जिंदगी में गवाही है। और लिखा गवाही जो है यीशु नबूवत की रूह है। आपकी जिंदगी में अगर गवाही है तो वो एक नबूवत की रूह है, वो आपकी जिंदगी में काम करती है। जब इंसान क्राइसिस में होता है ना, नाफरमानी है या खुदा से दूरी है, तो इस्तिशना 28 बाब में लिखा है बहुत मुश्किल वो चीजें हैं जो मैंने पढ़ी हैं, जब मैंने देखा, जब मेरी वो लाइफ थी हकीकत में ये थी कि तब जब मैं खुदा से दूर था तो जिस काम में भी सर मैंने हाथ लगाना, जो काम मैंने करना, नुकसान होना मुझे, जो भी मैंने काम किया उसमें मैं फ्लॉप हुआ, जहां भी मैं गया मुझे आगे से नाकामी मिली, मैं यही सोचता था क्यों है। हालांकि मैं दुआ करता था लेकिन वो जो खुदा मेरी जिंदगी में जो चाह रहा था ना वो नहीं था। तो क्या हुआ, जब मैंने ये लाइफ क्राइसिस में जा रही थी, बहुत परेशानी में जा रही थी, और मैं अपने घूमना फिरना, खाना पीना, लड़कों के साथ एंजॉय करना, बस यही लाइफ था मेरी। तो हुआ ये कि एक दिन मैं सोया हुआ था दोपहर के टाइम, तो सोया हूं तो मुझे ना खुदा ने रोया दी, तो रोया मैं देख रहा हूं, हालांकि इतना गहरी नींद नहीं सोया हुआ था मैं, तो रोया में देखा मैंने, मैं सोया हूं और आसमान से ना लोग आ रहे हैं, वाइट घोड़े हैं, उन पर लोग सवार हैं, और काफी लोग जो है ना आ रहे हैं, तो मैं खड़ा हूं उन पर ही, तो मैं देख रहा हूं भी ये लोग किधर से आ रहे हैं, कौन है ये लोग ऐसे। तो जैसे वो लोग आ रहे हैं ना, तो मैं खड़ा हूं, तो मैं पूछ रहा हूं भी ये कौन है लोग, क्या करने आ रहे हैं, किधर आ रहे हैं, तो आवाज मुझे आई कि खुदा यीशु मसीह आ गए हैं।
तो मैं खुद शॉर्ट हो गया और मैं सोया हुआ डर गया भी इतनी जल्दी आ गए और एकदम मेरी आंख खुल गई। और बाद में मुझे ये पता चला इस चीज का, मैं जब एक खादम से शेयर किया, मुझे भी ये मुझे रोया खुदा ने दी है तो मुझे इसके बारे में बताएं जरा। तो खुदा के खादम ने मुझे कहा कि ये खुदा की बुलाहट है भी, आप अपनी जिंदगी को चेंज करें कि वो जल्द आने वाला है। तो जैसे ही उन्होंने मुझे ये प्रोफेसी दी, मेरे लिए ये नबूवत की भी खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करेगा, खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा, तो उसके बाद ही मैंने अपनी जिंदगी को खुदा को देना और उसमें कायम रहना शुरू कर दिया। 2016 की बात है? हाँ जी, ये 2014-15 की बात है, पहले 2 साल उससे पहले। ठीक है। उसके बाद मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को चेंज किया, उस कंपनी से, उन लोगों से, ऐसे माहौल से मैंने फिर वाइंड अप किया। इसके बाद मेरे वालिद साहब की डेथ हुई, तो उसके बाद हम ना उधर से कसूर से शिफ्ट हो गए लाहौर में, पहले हमारी रहाइश कसूर में थी। तो उसके बाद सर वे इधर आए हैं, फिर इनके साथ जुड़े हैं पास्टर बिशप आसिफ जमाली सर, शील्ड ऑफ फेथ उनका चर्च है सर, तो खुदा ने बड़ा ब्लेस किया उनको, बड़ी खिदमत है उनकी, बड़ी खिदमत है उनकी सर। तो यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल, यस, इनके साथ थे, यस यस, यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल पे, और उनके जो वालिद साहब थे जमाली साहब, वो उनके हेड थे इधर, ये भी थे। तो जब उनकी विरासत से मैं खुदावंद में आया, मैंने तौबा की, बपतिस्मा लिया, तो खुदा ने मेरी जिंदगी को ऑटोमेटिकली चेंज करना शुरू कर दिया। जैसे मैं खुदा में बढ़ा, उसके कलाम को पढ़ता गया, कलाम की जो बातें हैं वो मेरी जिंदगी में उतरती गई, तो फिर ये हुआ कि जो टाइम मेरा क्राइसिस का था वो गुजरा, फिर खुदा ने मुझे डेवलप करना शुरू कर दिया। एक टाइम में आया, इधर हम किराए पे आए लाहौर में, तो इतना मुश्किल था गुजारा, वाले सब थे नहीं, तो अपनी लाइफ को मैनेज करना, फैमिली को संभालना, लेकिन बाइबल में लिखा है, उसने कहा तुम्हारे माँ और बाप तुम्हें छोड़ जाएंगे लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। और वो हकीकत है, खुदा यीशु मसीह अपने लोगों के साथ रहता है, उनकी फिक्र करता है। तो जैसे ही मैं खुदावंद में बढ़ा, तो उसने मेरी बरकतों को बढ़ाना शुरू कर दिया। वो जो अभी आपने हवाला कोट किया है, स्तिशना 28 बाब, यस, उसमें वो बरकतों का, बरकतों का और नाफरमानी का, लानतों का भी सारा जिक्र है सर। तो वो लानतें मैं एक्चुअली लेकर कर रहा था वो, और इतनी सख्त चीजें थी, जहां मैंने वो पढ़ी हैं, जहां मैंने उनको अपनी जिंदगी में लिया है, तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है ना वो बरकतों को फोकस करते हैं भी, बरकत फजल में, बरकत में, यही चीजें, लेकिन नाफरमानी जो है ना ये इंसान को पीछे लेकर जाती है। गुनाह जो है, बाइबल में लिखा है जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, और गुनाह की मजदूरी वो मौत है। तो मेरे ये है कि जब मैं, मुझे पता जब मैं निकला हूं, तो मैंने मौत में से निकला और हकीकी जिंदगी में दाखिल हो गया। और उसके बाद जो है खुदा उनके खादम ने मुझे मसा किया खिदमत के लिए, प्रोफेसी तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन हुआ ये कि उस टाइम मेरी मखसूसियत नहीं हुई थी, लेकिन जैसे फिर मैं भाई के साथ जुड़ा, पास्टर विल्सन साहब के साथ, तो उन्होंने मुझे मसा किया हैज ए खादम के तौर पर, और फिर मैंने स्टडी की, कलाम को पढ़ा, उसको लेता गया, फिर बीडीएच में एडमिशन किया, उनका अपना है हमारा उधर कॉलेज है, तो अभी भी टिल देन जारी है, चल रहे हैं, कर रहे हैं खिदमत भी। तो आज तक खुदा उनका शुक्र है, खुदा ने संभाला है और खुदा बढ़ा रहा है। फिर खुदा ने इधर लाहौर में मैंने अपना घर भी ले लिया, खुदा ने अच्छी जॉब दी हुई है, सब कुछ खुदा उनका शुक्र है, इस टाइम बेहतर है। सबसे खूबसूरत बात जब आपने अभी बताया है कि जब मैंने रियलाइज किया कि नाफरमानी की क्या क्या कर्सेस हैं, क्या मतलब लानते हैं, यस, तब आपने खुदावंद की हजूरी को महसूस किया, जी जी, और उसके जो अहकाम है जो इसमें बड़ा वाजा लिखा हुआ है, जी जी, कि तुम मेरी बंदगी करो, बंदगी करो। और जब हम खुदावंद की बंदगी करते हैं तो वो हमें प्रॉस्पेरिटी, हर तरह की खुशहाली हमारी जिंदगी में वो शामिल कर देता है। यस, बिल्कुल जी नाज़रीन, बहुत खूबसूरत बातें, बिल्कुल यंग है अभी पास्टर साहब, और मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मैं नौजवानों से मिलता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, और वो बताते हैं कि किस किस तरह से खुदावंद उनकी जिंदगियों को तब्दील कर रहा है। और बारहा मरतबा मैंने योएल नबी की मार्फत जो पेशन गोई की थी उसका हवाला देता हूँ, तो इसी वजह से, क्योंकि वाकई ही वो प्रोफेसी आज हमें फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है कि हमारे नौजवान लड़के लड़कियाँ ख्वाब देखते हैं, रोया देखते हैं, और वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजातदहिंदा कबूल करते हैं। तो बहुत खूबसूरत बातें, और इन्होंने इनकी जो गवाही है, मेन जो चीज इन्होंने बताई वो ये थी कि मैं आम लड़कों की तरह, आम नौजवानों की तरह अपनी जिंदगी के सारे दिन गुजार रहा था, कोई फिक्र नहीं किसी बात की,
लेकिन जब खुदावन ने मुझे रोया बख्शी तब मुझे एहसास हुआ कि खुदावन यीशु मसीह जल्द आने वाला है और मुझे उसको वेलकम करना है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी को खुदावन यीशु मसीह के हाथों में दिया और जो इन्होंने बताया कि मेरे हालात बहुत बुरे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुदावन ने इनको हर नेमत से आसूदा किया। मिलेंगे एक और खूबसूरत गवाही के साथ। अभी आप मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। आमीन।